तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि फाइनली जो है छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का जो है मॉडल आंसर आ चुका है। जी हाँ, मॉडल आंसर जो है सीजी व्यापम में जो है 12 सितंबर को जो है छत्तीसगढ़ में व्यापम ने महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का मॉडल आंसर जारी कर दिया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कैटेगरी वाइज कटअप के बारे में, जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा, कितने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है देखने को मिलेगा, कितने नंबर वाले स्टूडेंट जो है महिला पर्यवेक्षक जो है बन पाएंगे। छत्तीसगढ़ के जितने भी महिलाओं ने जो है एग्ज़ाम्स दिए हैं आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के लिए पोस्ट है 220 पोस्ट है, और इस 220 पोस्ट के लिए अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो आपके जो है 3 लाख, जी हाँ 3 लाख कैंडिडेट्स हैं, 3 लाख स्टूडेंट्स के बीच में जो है कॉम्पिटिशन्स हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉडल आंसर के प्रेस विज्ञापन के बारे में और मॉडल आंसर के बारे में और कटअप के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी व्यापम ने जो है प्रेस विज्ञापन जारी किया है आपके महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का। जी हाँ, जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। संचालनालय बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के जो है मॉडल उत्तर जारी करने के जो है संबंध में, जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट हैं। अगर हम बात करें दावा पत्र करने के तो 12 सितंबर को मॉडल आंसर जारी हुआ, इसके साथ जो है आप 15 सितंबर तक जो है आप दावा पत्र कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा कि मेरे नंबर जो है बढ़ सकते हैं, मेरे नंबर जो है बढ़ने के चांसेस हैं, तो आप जो है दावा पत्र जो है डेफिनेटली जो है अवश्य रूप से कर लीजिए। अगर आप दावा पत्र करोगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम जो होता है वो आपके 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के वजह से आपका सिलेक्शन होने से जो है चूक जाते हैं। अगर आप दावा पत्र कराते हैं और आपका 2 से 3 नंबर और मैक्सिमम अगर अधिकतम अगर आपका 5 नंबर बढ़ जाता है तो हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन होने का चांसेस है वो चांसेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ पाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिनको लग रहा होगा कि मेरा नंबर बढ़ना चाहिए तो आप जो है दावा पत्र करा सकते हैं, और आपको जो है ऑनलाइन के माध्यम से ही आप जो है दावा पत्र कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से ही, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के माध्यम से ही आप जो है दावा पत्र कर सकते हैं। अगर आप जो है ऑफलाइन सोचोगे तो ऑफलाइन जो है बिल्कुल भी आप जो है दावा पत्र जो है नहीं करा पाएंगे। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉडल आंसर के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है व्यापम सीजी व्यापम ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन जो है जारी किया है महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र खुली सीधी भर्ती परीक्षा 2023। जी हाँ, 2023, जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बेस्ट है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन जो है हो पाता है। अगर महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा की बात किया जाए, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, 4 सेट में जो है, जी हाँ 4 सेट में आपके एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सीट सेट जो है डी। सेट ए की बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका जो है बी था, वहीं सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपका बी, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर सी, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर सी, फिर बी, वहीं सेट बी में ए बी सी, फिर बी बी बी, फिर से सेट सी में डी सी, फिर डी बी ए, और सेट डी में ए बी ए सी बी बी। तो आपको यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए व्यापम का जो एग्ज़ाम्स होता है और ऊपर से जो है माइनस मार्किंग होते हैं, आपका जो है निगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिलता है, तो माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग रहता है, तो आप जो है ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचो कीजिए कि हम प्रिडिक्शन कर लेंगे या फिर तुक्का लगा लेंगे या इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बस प्रिडिक्ट कर लेंगे किसी आंसर है जो अगर डी आ रहा है फिर बी, फिर सी, फिर ए आ रहा है तो डी, फिर बी, फिर सी, इस तरह से सोच रहे होंगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे, रेगुलर वर्क करोगे, तब जाके कामयाबी मिलती है, तब जाके आपको सफलताएं जो है मिल पाती हैं। तो आपको मेहनत करना है, और काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं उसके बाद तैयारी करते हैं, फिर जब सीजी व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन का समय होता है, ओनली फॉर 20 to 25 days। ज़रा सोच के देखो कि आप जो है 20 से 25 दिन में कहाँ से कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स की एक बेहतर तैयारी कर पाओगे जिससे
आप जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा नंबर गेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कॉम्पिटिशन का मतलब, शायद बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स का मतलब यही होता है कि आपका कुछ नंबर की वजह से सेलेक्शन होने से जो है चूकना चाहिए, उसे बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन। अब यह नहीं कि महिला पर्यवेक्षक में 100 प्रश्न पूछे गए हैं, 100 प्रश्न और उसमें आपका आ रहा है 10 से 15 नंबर, तो और ये बोलोगे कि हमने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी किया, कॉम्पिटिशन किया, तो इसको जो है कॉम्पिटिशन नहीं बोलते। ये तो आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे फिर भी 10 से 15 नंबर जो है आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, एक्सपेक्टेड कि आखिरकार जो है कट ऑफ जो है कितना जाने वाला है, कट ऑफ मार्क्स जो है कितना होने वाला है और किस तरह से आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा भी या फिर आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, हर एक पहलू के बारे में जानेंगे। तो यदि आप जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, देखिए 100 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे महिला पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती परीक्षा में, तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो 75 से जो है 80 नंबर वाले स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं यदि आप जो है ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो है 70 से 75 नंबर में सिलेक्शन हो पाएगा। और यदि आप जो है एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो है 65 से जो है 70 नंबर में जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और यदि आप जो है एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो है 60 से 65 नंबर, जी हाँ इतने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा, जो कि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बस तैयारी के ऊपर ही भरोसा रखना, और जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, उतने ही ज़्यादा सफलता देने, उतने ही ज़्यादा कामयाबी और उतने ही ज़्यादा सफलता फिर आपको जो है मिल पाएगा। कोशिश ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। जब तक अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे, अगर जब तक आप जो है हार्डवर्क नहीं करोगे, देखिए जब तक अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो बिना हार्डवर्क किए आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार ये चीज़ें हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। पहले वर्क करो, काम करो, देन उसके बाद बोलना कि यार हमें हमारे उम्मीद के मुताबिक अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचना कि ये चीज़ें हमसे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, हम ये चीज़ें कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, हम जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई जो है कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कमेंट करके बताना कि आपका महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, आपका डाउट्स हैं तो वो डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। सो आई होप वीडियोज़ पसंद आए हो। वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तैयारी करते रहिए, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा।